दिनों दिन बढ़ते पेट्रोल डीजल और गैस के दामों के विरोध में कलेक्ट्रेट सर्किल पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। धरने का नेतृत्व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने किया। प्रताप सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि महंगाई दिनों दिन लगातार बढ़ती जा रही है, केंद्र सरकार इस पर लगाम लगाने में विफल रही है। बेरोजगारी को लेकर प्रताप सिंह ने कहा कि पीएम ने कई वादे किए थे लेकिन फलीभूत एक भी नहीं हो सका। मंत्री प्रताप सिंह घर से प्रदर्शन स्थल तक घोड़ा गाड़ी में बैठकर पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रताप सिंह ने कहा कि केंद्र ने कई मन लुभावन वादे तो किए थे लेकिन धरातल पर क्या स्थिति है हर परिवार जानता है। आज घर में गैस चलाने से पहले हमारी बहन बेटियों को सोचना पड़ता है। कई घरों की स्थिति तो इतनी खराब हो गई है कि वे गैस चूल्हा छोड़कर चूल्हा जलाने पर मजबूर है।